अपने वाई को क्लियर करने के बारे में। तो ये वाई क्लियर करना और वाई क्या होता है, तो जैसे अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रखी है, तो जब तक आपका उसमें अपना वाई क्लियर नहीं होगा कि हमने वो चीज़ क्यों ज्वाइन की है या किस वजह से की है, तब तक आप उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा, अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ ज्वाइन की है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है तो क्यों की है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला कि वहाँ पे खड्डा है उसको खोदना है जाके, तो आप में से कितने लोग हैं जो जाके मेरे ऑर्डर पे खोद लोगे? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास वो रीज़न नहीं है। क्यों जाएंगे आप, यही सोचोगे कि पागल होकर क्यों खोदे बिना वजह। ये जो वजह होती है ना वो चाहिए आपको। वही मैंने सिचुएशन चेंज कर दी, मैंने बोला वहाँ पर नीचे बहुत सारा सोना या पैसा है इसको खोदो। आप में से सारे के सारे एक मिनट नहीं लगाएंगे, आपके हाथ में जो भी आएगा आप खड्डा खोदने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वजह है, रीज़न है वो काम करने की। इसी तरह आपके जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आपको एक रीज़न चाहिए, एक वजह चाहिए, एक मोटिव चाहिए कि इस काम को करने का। जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मेरा मोटिव है मेरे सपने, मेरे ड्रीम, जिस वजह से मैंने मोदी केयर कंपनी ज्वाइन की है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है। मेरा ड्रीम क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है, मैंने इस पर्टिकुलर वजह से ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। चलो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी जो नौकरी करता है या कोई गवर्नमेंट जॉब में, उससे आप जाके पूछो कि भाई दो मिनट बात करोगे, कुछ बात करनी है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। चलो ठीक है, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है। सेकेंड आप उससे पूछना कि भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसों की हेल्प करोगे, तो उसका आंसर क्या होगा? यही होगा मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। तो वही पर्सन जिसके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वह ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसके वजह से ना उसके पास टाइम है ना उसके पास पैसा है? क्या फ़ायदा ऐसे काम का जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता है, पैसे भी नहीं है? दैट्स वाई अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें वहाँ पे आपके पास टाइम भी मिलेगा। आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो कर सकते हैं। और पैसे की बात करें तो एक पर्टिकुलर सैलरी जो नॉर्मल हम जॉब करते हैं उसमें रहती है। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है पैसों का। आप पे डिपेंड होता है, आपके काम पे डिपेंड होता है कि आप कितना कमा सकते हो। वहीं अगर मैं सेकेंड थिंग बात करूँ तो अगर आप किसी को जाके बोलते हो भाई तेरी नौकरी है उस कंपनी में मुझे भी जॉब लगवा दे, उसका आंसर क्या होगा कि मेरे को खुद नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है, मैं तुझे कहाँ से दिला दूँ, यही आएगा जवाब। वहीं आप किसी बिजनेसमैन से जाके पूछोगे कि सर आपने बिजनेस अच्छा चला रखा है, कैसे किया, तो हमें भी थोड़ा सजेस्ट करोगे, क्या वो बताएगा? नहीं बताएगा। कौन इंसान होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने चाय का या कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा खोल रखा है, वो आपको वो सजेस्ट करेगा चल हाँ मैं तेरे को बताता हूँ कैसे करना है, मेरे पड़ोस में ही खोल ले? वो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उससे कंपटीशन नहीं चाहिए, वो नहीं बताएगा। वहीं हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, यहाँ हम काम करते हैं, अच्छी बात है हम अच्छा पैसा कमाते हैं, इसके साथ साथ इसका प्लस पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, हम अपने साथ साथ दूसरों को भी काम दे सकते हैं। उनके वजह हमारे वजह से उनके घर में पैसे आते हैं, लाख लाख रुपए आते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं, इससे बेस्ट चीज़ क्या लगेगी? स्पेशली मुझे मोदी केयर कंपनी मैंने इसी वजह से ज्वाइन किया, क्योंकि इतना अच्छा इसका जो भी फील्ड है, जो भी इसका थिंक है, बहुत अच्छा है कि जहाँ हम तो काम करते हैं हम दूसरों के भी सपने पूरे कर सकते हैं, दूसरों के घर में हमारे वजह से पैसे आते हैं, तो सोचो आपको भगवान की तरह मानेगा। ये डिफरेंस होता है नौकरी में और वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी काम दे सकते हैं। वहीं नौकरी वाला पर्सन आपको नौकरी नहीं दिला सकता, काम नहीं दे सकता। वहीं अगर हम बात करें कि किसी घर में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है पैसे कमाने वाला, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो जाए, फिर घर में पैसा कहाँ से आएगा? वो कंपनी वाला देगा कि आपके जो भी पर्सन थे वो हमारी कंपनी में काम करते थे, बाकी की लाइफ हम आपको खाना देंगे, पैसा देंगे, सैलरी देंगे? नहीं देगा। जब तक उसकी कंपनी में काम होगा, काम करोगे, तब तक आपके घर में सैलरी आएगी, अदरवाइज नहीं देगा। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ अपने अंदर एक नॉट, मैं ये नहीं बोलूँगी अपलाइन डाउनलाइन, एक फैमिली होता है, एक फैमिली की तरह होती है, एक फैमिली होती है जो हमारे लिए काम करती रहती है। अगर हमारा जो भी पर्सन घर में पैसा कमाने वाला है वो ना भी रहे तो भी हमारे घर में पैसे आएंगे,
क्यों आएंगे? क्योंकि उसने अपने अंदर या अपने साथ एक इतनी अच्छी फैमिली जोड़ रखी है, एक अच्छी फैमिली बना रखी है जो उसके लिए काम करेगी। लाइफ टाइम उसके घर में पैसे आएंगे, मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं है, पैसे की बाउंडेशन नहीं है, फुल फ्रीडम है और लाइफ टाइम सिक्योरिटी है आपकी, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की। तो आई होप कि मेरी बातों से या जो भी मैंने एग्जांपल दिए उससे आपका वाई क्लियर हुआ होगा। स्पेशल थिंग है ड्रीम पूरे करने का। अगर हम बात करें सपनों की, तो जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको पर्टिकुलर 40,000-50,000 मिलते हैं, रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे मिलते हैं, वो सब पैसों से आप क्या करोगे? अपने सपने पूरे करोगे। उस एज में अगर हम रिटायरमेंट लेते हैं, वहाँ एज हमारी हो जाती है 60-70 अकॉर्डिंग, उस टाइम आप कौन से अपने सपने पूरे कर पाओगे? वो एज ही नहीं रहेगी सपने पूरे की, एज होती है रिसेंट वाली। अगर आप 30 के हो, 40 के हो, 25 के हो, ये एज होती है आपके सपने पूरे करने की। तो उस टाइम अगर रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे मिलते हैं तो वो पैसे आपके किस काम के? आपके सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं होंगे। इस एज में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में रहे, हम इन द सेंस इसी टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्या चाहिए? सिर्फ पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, माइंड क्लियर चाहिए, अपना वाई क्लियर चाहिए, और हम 2-5 साल के अंदर अंदर हमारे जो भी सपने हैं जो हम 50 साल तक नहीं पूरे कर पाते। अगर हम कोई भी नौकरी करते, नौकरी पर्टिकुलर नौकरी में तो सवाल ही नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो एज निकल जाते हमारे सपनों की, या हम जो भी सोचते हैं वो चीज़ करने की, वहाँ हमारे सपने कोई मायने नहीं रखते हैं। ये एज है सपने पूरे करने की। तो ना माइंड क्लियर कीजिए, ना ड्रीम सोचिए आपको क्या चाहिए लाइफ से, फिर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए। आई स्वेयर आपको 2-5 साल के अंदर अंदर आप वहाँ होंगे जहाँ आप सपनों में सोचते हो, आपको जो चाहिए वो आपके पास होगा। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से या मैंने जो भी एग्जांपल या जो भी बातें बोली उससे आपका माइंड क्लियर होगा होगा, आपका वाई क्लियर हो गया होगा कि हमको क्यों करना चाहिए, हमको वाई, हमको ये जो वाई होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्लियर करना है, फिर हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा।